गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपसे जिस तरह कल हमारी बात हुई थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लागत वक्रों की स्थिति को समझते हैं कि लागतों में आपस में क्या संबंध है किस प्रकार ज्ञात किया जाता है तो हम एक टेबल की सहायता से लागतों की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं अब टेबल है हमारी उत्पादन की मात्रा पहला कॉलम है उत्पादन की मात्रा प्रति सप्ताह दूसरा कॉलम में हम लेते हैं टी एफ सी तीसरे कॉलम में हम लेंगे टी वी सी चौथा कॉलम हमारा होगा टी सी और अल्पकाल की यदि बात करते हैं तो एस टी सी हो जाएगा पाँचवें कॉलम में हम लेंगे एस एम सी अल्पकाल की मार्जिनल कॉस्ट फिर हम छठे कॉलम में ए एफ सी फिर ए वी सी और देन अल्पकाल की बात करते हैं तो ऐसे इस प्रकार हम इन कॉलम की सहायता से आपको एक टेबल के द्वारा विभिन्न लागत वक्रों की दशा को समझाने का प्रयास करते हैं कि इन लागतों में आपस में क्या संबंध है या इसे किस प्रकार ज्ञात किया जाता है अत्यंत आसान है कल हमने एक पहले जो वीडियो बताया था उसमें इस प्रकार के ला लागत वक्रों की स्थिति को आपको स्पष्ट किया था यहाँ इस टेबल को आप समझेंगे तो और अधिक स्पष्ट हो जाएगा यह करीब दस सप्ताह का हम ले रहे हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इसको हम आपकी सुविधा के लिए कॉलम बांट देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी कि ये किस प्रकार के लागत वक्रों से हमने यानी लागतों को हमने निकालने का प्रयास किया है यदि एक दी हुई हो तो उससे हम दूसरी या तीसरी लागतें कैसे ज्ञात कर सकते हैं देखिए विद्यार्थियों जैसा कि आपको पता है टीएफसी फिक्स कॉस्ट होती है इसका उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता है उत्पादन हो या ना हो ये कॉस्ट आती ही है और ये उत्पादन की मात्राएं जो प्रति सप्ताह है प्रति सप्ताह यह पहले में सप्ताह में जीरो मात्रा है दूसरे में एक है दो है तीन है इस प्रकार मात्राएँ बढ़ती गई तो कॉस्ट में भी चेंज होता रहा फिर भी जीरो पर भी ये तो सौ ही रहती है तो चाहे उत्पादन बढ़ो या घटो टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसलिए हमने उत्पादन की हर मात्रा के साथ में इसे फिक्स बताया वो है सॉक उसके बाद में है वेरिएबल कॉस्ट जो उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ती है उत्पादन के घटने पर घटती यानी उत्पादन से प्रभावित होती है तो पहले सप्ताह जब उत्पादन ही नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो है दूसरे सप्ताह तीस दूसरे उत्पादन की मात्रा तीस फिर पचास सॉरी वेरिएबल कॉस्ट फिर पैंसठ उसके बाद 77, देन सतानवे फिर एक सौ बत्तीस फिर एक सौ बयासी दो सौ तीन सौ बत्तीस और फोर फोर टू ये वेरिएबल कॉस्ट है अब वेरिएबल कॉस्ट से हम टोटल कॉस्ट कैसे दिखाते हैं तो टी सी बराबर है टी एफ सी और प्लस टी इन दोनों को जोड़ दीजिए टी हो जाएगी वो हमारी अल्पकालीन कुल लागत भी है तो सौ प्लस जीरो एक सौ फिर एक सौ तीस फिर एक सौ पचास एक सौ पैंसठ एक सौ सतहत्तर एक सौ सतानवे फिर दो सौ बत्तीस फिर दो सौ बयासी दो सौ सो, सॉरी तीन सौ सितयासी उसके बाद में चार सौ बत्तीस और फिर पाँच सौ बयालीस ये आपके टी कॉस्ट uh, प्राप्त हो गई जो टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का योग होता है एसएमसी क्या है एसएमसी चेंज इन टीसी बटा चेंज इन क्यू उत्पादन में क्या परिवर्तन हुआ उत्पादन में तो एक, एक का परिवर्तन हो रहा था सब में एक का भाग दोगे तो डेल्टा uh, क्यू कहलाएगा और टो तो, टी में जो परिवर्तन हो रहा है वो हमें यहाँ दे रहे थे वो हमारी वो सीमांत लागत होगी तो पहले में कोई परिवर्तन नहीं सौ फिर सौ से एक सौ तीस यानी तीस का चेंज फिर एक सौ तीस से पचास यानी बीस का चेंज फिर पंद्रह का परिवर्तन फिर बारह का चेंज फिर बीस का चेंज फिर यहाँ आया है पैंतीस का परिवर्तन फिर पचास का परिवर्तन फिर पैंसठ का परिवर्तन उसके बाद पिछयासी और फिर एक सौ दस तो ये हो गया आपका मार्जन uh, कॉस्ट जो हमने टोटल कॉस्ट में परिवर्तन के आधार पर निकाला है फिर ए एफ़ सी कैसे निकालते हैं ए एफ़ सी है टी एफ सी बटा क्यू अर्थात सौ में से इनका यदि आप भाग देंगे जैसे सौ में जीरो का भाग दिया इन्फिनिटी हो जाएगा सौ में एक का भाग दिया सौ सौ में दो का भाग दिया पचास सौ में तीन का भाग दिया तैंतीस सही एक बटा तीन सौ में चार का भाग दिया पच्चीस सौ में पाँच का भाग दिया बीस फिर सौ में छः का भाग दिया सोलह सही दो बटा तीन फिर चौदह सही दो बटा सात उसके बाद बारह सही एक बटा दो फिर ये घटती जाएगी ग्यारह सही एक बटा नौ और फिर दस तो इस प्रकार हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट प्राप्त कर दिया क्यू का टी में क्यू का भाग दे करके इसी प्रकार एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है टी वी सी बटा क्यू अर्थात ये आपकी टी वी सी है इसमें क्यू का भाग देंगे तो ये हो जाएगा तो पहले में नील फिर तीस में एक का भाग दिया तीस पचास में दो का भाग दिया पच्चीस पैंसठ में तीन का भाग दिया इक्कीस सही 2 दो बटा तीन सॉरी <coughs> फिर पच्चीस में चार का सॉरी uh, सितहत्तर में चार का भाग दिया तो उन्नीस सही एक बटा चार फिर आपका सत्तानवे में, में पाँच का भाग दिया तो उन्नीस uh, सही दो बटा पाँच फिर एक सौ बत्तीस में छः का भाग दिया तो हो जाएगा बाईस देन आफ्टर छब्बीस फिर तीस सही सात बटा आठ फिर छत्तीस सही आठ बटा नौ और फिर चवालीस सही एक बटा पाँच अब हमारा आता है एवरेज अल्पकालीन औसत लागत अल्पकालीन औसत लागत आप चाहे टी सी बटा क्यू करके ज्ञात कर सकते हैं अथवा ए एफ सी प्लस ए वी सी का योग करके भी ज्ञात कर सकते हैं जैसे हम टी सी बटा क्यू का याद करें तो जीरो फिर 130 में एक का भाग दिया तो 130 आ गया 130 और को भी जोड़ेंगे तो 130 ही आएगा फिर यहाँ पर आता है डेढ़ सौ डेढ़ सौ में से दो का भाग देंगे तो पिचहत्तर यहाँ भी आप देख लीजिए ए एफ सी पचास है और ये पच्चीस है दोनों को जोड़ेंगे 75 आएगा इस प्रकार हम चाहे टी सी में क्यू का भाग दें तो भी अल्पकालीन औसत लागत आ जाएगी अथवा हम हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट है उनको जोड़ देंगे तो भी प्राप्त हो जाएगी तो इसके बाद का जो योग होता है वह फिफ्टी फाइव देन आफ्टर चवालीस सही एक बटा चार उनतालीस सही दो बटा पाँच अड़तीस सही आ, दो बटा तीन फिर चालीस सही दो बटा सात फिर तयलीस सही तीन बटा आठ फिर अड़तालीस और फिर चौपन सही एक बटा पाँच अब आप इन वक्रों टेबल जो बनाई गई है इस टेबल से यदि आप वक़्र को ड्रॉ करेंगे तो वक़्रों की आकृति इस प्रकार की होगी जो मैं यहाँ आपको आपके सामने रख रहा हूँ छोटे से डायग्राम में अगर आप इस टेबल की सहायता से वक्र को ड्रॉ करेंगे तो वक़्र जो है वह इस प्रकार के होंगे लगभग ये आपका वक्र होगा नीचे की तरफ आता हुआ यहाँ मैं ले लेता हूँ उत्पत्ति की मात्रा उत्पत्ति की उत्पत्ति की मात्रा और इधर मैं ले लेता हूँ आपके एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट तो एफ सी घटती हुई होती है लेकिन पॉजिटिव होती है ज़ीरो नहीं होती और ये वक्र बनता है आपका ए वी सी का जो कि धीरे धीरे बढ़ती हुई होती है अब ए एफ सी और ए वी सी का ओरिजेंटल जो योग करेंगे तो आपका ये हो जाएगा एस ए सी एस ए सी और आ, ये जो है वह ए एफ सी ए वी सी ए वी सी के मिनिमम बिंदु पर काटता हुआ ए सी के मिनिमम बिंदु से काटता हुआ वक्र निकलता है यह है आपका एस एम सी जो कि अल्पकालीन सीमांत लागतों को दर्शाता है यानी फर्म में कुल लागत वक्र जो है टी एफ सी पूर्णतः क्षैतिज होता है क्योंकि उत्पत्ति की प्रत्येक मात्रा पर एक लगता है यहाँ पर हमने ए एफ सी लिया है ए एफ सी घटती हुई होती है आप देखिए ए एफ सी टेबल में भी घटती हुई मिलेगी ये आपकी पेशी है सौ पचास तैतीस से एक पट तीन पच्चीस बीस चौ सोलह पॉइंट समथिंग चौदह पॉइंट समथिंग बारह पॉइंट समथिंग ग्यारह पॉइंट समथिंग दस पॉइंट यानी ये जो है वह आपके घटती हुई हो रही है तो आप ये दे रहे हैं ए एफ सी वक्र घट रहा है तो औसत टोटल लागत टोटल कॉस्ट जो है एवरेज फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट है वो तो एक अगर आप ड्रॉ करेंगे तो स्थिर होगा क्योंकि हंड्रेड के बराबर फिक्स है इसके बाद में हम देखते हैं कि टीवीसी वक्र चार इकाइयों तक तो घटता रहता है टेबल में देखा है टीवीसी वक्र चार इकाई तक घट रहा है आप देखिए पचास तीस पचास पैंसठ से और उसके बाद बढ़ने लग जाता है तो आप देखिए ए शुरू में घट रहा है सॉरी टी वी सी फिर ए वी सी उससे ड्रॉ होता है तो हमने यहाँ देखा है कि चार इकाई तक टी वी सी घटता है और उसके बाद बढ़ता है और बढ़ती हुई दर से बढ़ता है इसका अर्थ यह है कि वस्तु की चार इकाई तक तो वर्धमान प्रतिफल का नियम है लागू होता है और वर्धमान प्रतिफल के नियम में आपको पता है कि लागतें घटती होती है और उस समय घटती हुई सीमांत लागत का नियम भी लागू होता है बाद में आसमान प्रतिफल नियम क्रियाशील हो जाने के कारण ये जो है वो लाख टी वी वक्र है वो तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ है तो ये आपको जैसा कि इसमें दिखाया गया है आ, ए टी एफ सी और टी वी सी की स्थिति उससे टी सी हुई और टी सी के बाद में हमने एस एम सी एफ सी ए वी सी और ए सी वक्र को ड्रॉ किया जो आपको इस टेबल में दिखाया गया है कि ए एफ़ सी घटती हुई होती है लेकिन पॉजिटिव होती है ए वी सी प्रार में घटती फिर बढ़ने लगती है ए एफ सी और ए बी सी का योग एस एस सी होता है और एस एम सी है जो कुल लागत में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है जो प्रारंभिक जो आपके बताया गया है कि एस एम सी है वो प्रारंभिक घटती है तीस बीस यानी चार इकाई तक और उसके बाद में बढ़नी शुरू होती है जो उत्पत्ति हास नियम क्रियाशील हो जाने का कारण है और प्रारंभ में घटने का कारण है उत्पादन का वर्धनीय क्रियाशील होना तो इस प्रकार विद्यार्थियों आज हमने एक टेबल की सहायता से औसत लागतों की स्थिति को बताया सीमांत लागत की स्थिति को बताया कुल लागत की स्थिति को बताया और उसके बाद में हमने कुछ वक्र खींचे आप इस टेबल को अच्छी तरह से देखें कर्व को देखें और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें धन्यवाद